फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। तो आज मैं मोदक बनाऊंगी फ्रेंड्स कोकोनट से। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि मोदक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो मैंने लिया है फ्रेंड्स 200 ग्राम कोकोनट पाउडर और ये कुछ केसर के धागे हैं जो मैंने दूध में भिगो दिए थे गर्म दूध में, और ये 150 ग्राम चीनी है, और ये 2 चम्मच छोटे घी है, और ये 100 ग्राम खोया लिया फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी मोदक हमारे बनकर तैयार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। फ्रेंड्स गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई इस पर रख दी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम चाशनी बनाएंगे मोदक के लिए। तो जो चीनी हमने ली थी ना उसे ऐड कर देंगे। अब एक कटोरी हमने ये चीनी ली थी 150 ग्राम, तो 2 कटोरी हम इसमें यही सेम कटोरी से पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, एक कटोरी और। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने लगी है फ्रेंड्स, तो इसकी हम एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स चाशनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से एक तार की हमें चाशनी चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें सख्त नहीं करनी है चाशनी को। तो ये चाशनी अभी तैयार ही है फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने केसर दूध में डाल के ऐड किया था तो उसे चाशनी में डाल देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने जो ये घी लिया था उसे हम डाल देंगे। फ्रेंड्स चीनी को मैंने 150 ग्राम लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप इसे अपने हिसाब से 200 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं ये मीडियम ही बना रही हूँ मोदक, तो मैंने तो 150 ग्राम लिया, और ये 100 ग्राम खोया जो लिया था वो। अभी फ्रेंड्स जो खोया घी केसर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। हम खोया को दबा दबा के मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से चाशनी में घुल मिल जाए खोया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से खोया हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया केसर की वजह से। अब हमने जो कोकोनट लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने इलायची ली हुई थी तो मैंने उसका भी पाउडर कर लिया है। सभी चीज़ों को फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करना है हमें इस तरह से। देखिए हल्का सा येलो कलर भी आ गया है। फ्रेंड्स इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना जब तक ये थोड़ा सा डो की तरह रेडी ना हो जाए, जिससे ये मोल्ड में अच्छे से सेट होके मोदक बनकर तैयार होकर निकले इस तरह से। अभी फ्रेंड्स ये पतला है थोड़ा, और इसे हमें डो की तरह रेडी करना है लगातार चलाते हुए। देखिए फ्रेंड्स अभी ये मिक्सर हमारा डो की तरह रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। मिक्सर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड्स। तो अभी कुछ 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाए, फिर हम इनके मोदक बनाते हैं। फ्रेंड्स मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो ये देखिए बिल्कुल डो की तरह तैयार भी हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी रखना है फ्रेंड्स अगर आप बनाना चाहें तो। तो अभी मैंने फ्रेंड्स एक मोल्ड ले लिया है मोदक के लिए इस तरह से। तो मोल्ड को फ्रेंड्स क्या करना है, हमें घी से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने घी से ग्रीस कर लिया है इसे, ताकि जो मिक्सर हम इसमें ऐड करेंगे तो चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स हम बनाते हैं मोदक। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमें मिक्सर को भर लेना है। इस तरह से
अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमने दोनों साइड से मिक्सर को भर लिया है मोल्ड में, तो ये दबा देंगे हल्का हल्का सा और बस फ्रेंड्स फिर क्या करना है हमें इस तरह से इसे दबा देना है, तो जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से और अच्छे से दबा देना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा शेप आया है। अभी मैं हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा जोर से कुछ नहीं करना है इसे, इस तरह से। ये देखिए ये बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स हमारे कोकोनट केसर मोदक। अब हम दूसरा भी इसी तरह से बनाते हैं, सेम वही करना है हमें जो हमने पहले वाले में किया था। दोनों तरफ हमें मिक्सर को रखना है हाथों से, इस तरह से मोदक बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आपने देखा है झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं और खाने में भी मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से फिर से हम दही दबा देंगे और एक्स्ट्रा जो भी निकला है उसे निकाल देंगे इस तरह से। हम इसे भी ओपन कर लेंगे धीरे से ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स सभी मोदक को बनाकर कुछ इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा है मोदक बनाना कितना इजी है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे कई ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।